खबर बेतिया से है, जहां दिनांक 23 सितंबर 2021 को बेतिया के पश्चिम चंपारण के सर्किट हाउस में पत्रकार एकता संघ परिवार की तरफ से खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल को अंगवस्त्र व फूलमाला से स्वागत किया गया। संघ के पत्रकार साथियों ने पीडीएस, आंगनबाड़ी, राशन कार्ड और स्कूलों में जो राशन मिलता है उन सभी बातों पर चर्चा की। वही संघ के अध्यक्ष आफ्ताब रोशन साहब ने कहा कि विद्यानंद विकल ने कहा कि जो भी खाद्य पदार्थ पोषाहार केंद्र व बिहार राज्य से जो स्कूलों और डीलरों के पास राशन दिया जाता है वह सभी जनता को मिलता है या नहीं, और पूरे बिहार में निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक समाज हित हेतु अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हर गरीब बेसहारा लाचार लोगों तक पहुँच कर लोगों को दुख दर्द जानने का कार्य कर रहे हैं, लोगों की समस्या का निदान कर रहे हैं। वही संघ के संरक्षक एवं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय राउत ने कहा कि पत्रकार एकता संघ परिवार बेतिया पश्चिम चंपारण के दबे कुचले लोगों का अपने पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से आवाज उठाने का आप कार्य कर रहे हैं। वही खाद्य आयोग के चेयरमैन बेतिहरवा के जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पाना लाल साह का निर्मम हत्या की खबर को सुनकर अफसोस जताते हुए कहा, जदयू पार्टी का एक परिवार हम सभी के बीच नहीं रहे, ऊपर वाले इनकी आत्मा को शांति दे। इस दुखद घड़ी में हम सभी जदयू पार्टी के लोग इस परिवार के साथ हैं। खाद्य आयोग के चेयरमैन जिला पश्चिम चंपारण के सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, सभी पीडीएस, सभी आंगनबाड़ी, सभी पोषाहार से संबंधित विशेष चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया, और साथ ही पत्रकार एकता संघ परिवार के सभी पत्रकार साथियों को खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने बधाई दी और साथ ही कहा कि पत्रकार एकता संघ परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी समस्या अगर होती है तो मैं हर संभव मदद करूंगा। आप लोग चौथा स्तंभ है। पत्रकार एकता संघ परिवार के सचिव धर्मेंद्र सराफ, संघ के संरक्षक एवं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय राउत, प्रदीप कुमार, तनवीर आलम आदि सभी उपस्थित रहे। मैं कुछ आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि सरकार का जो विभिन्न योजनाएं जो चल रही है, विशेष करके किस योजनाओं के आप कार्य को देखना चाहते हैं, किस किस की योजना? सबसे पहले तो पश्चिम चंपारण के पत्रकार संघ के माध्यम से हमें सम्मानित किया गया है, इसके लिए एक तो बेहद खुशी हो रही है, दूसरा हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये एक बेहतर काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जो प्रकाशित करते हैं, सोशल मीडिया में चलाते हैं, उसको भी हम देखते हैं। जहाँ तक रह गई हमारी बात, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने बनाई, और उसके तहत सभी राज्यों में आयोग गठन करने का निर्देश है। उसी के तहत हम उस आयोग के चेयरमैन हैं। लगभग 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में हम उस एक्ट के हिसाब से जो अभियान है वो दो तरह के अभियान है। एक तो सारे लोगों को खदान बोल जाए पीडीएस के माध्यम से अनुदान रेट पर 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल प्रत्येक लाभुक को देना है। अंत्योदय परिवार जो है उसके लिए 35 किलो अनाज का प्रावधान है, और पीएचए राशन कार्ड होल्डर है प्रत्येक यूनिट में देना है 5 किलो। फिर इसके बाद पोषण के क्षेत्र में हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं मिडिल स्कूल तक, वहाँ पर पोषाहार दिया जाता है, मिड डे मील के नाम से जानते हैं, तो मिड डे मील का प्रबंध है। तो मिड डे मील अभियान चल रहा है, और फिर इसके बाद में ICDS जो है उसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र जो संचालित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है उसमें, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना उसके माध्यम से संचालित होता है। अति कुपोषित बच्चों को देख रेख करने के लिए एक पुनर्वास केंद्र है प्रत्येक जिला के सदर हॉस्पिटलों में। 20 बच्चों के लिए एक महीना में 20 दिन के लिए 4 लाख रुपया सरकार खर्च करती है। फिर
फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो छात्रवासी हैं अम्बेडकर हॉस्टल में रहने वाले, उन्हें 15 किलो अनाज राज्य सरकार देती है, 1,000 रुपया देती है। और इसी टाइप का प्रबंध अति पिछड़ा बच्चों के लिए जो हॉस्टल है कर्पूरी छात्रावास, और फिर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए जो रेसिडेंशियल हॉस्टल है उसमें भी दिया जा रहा है। तो खाद्यान्न और पोषण से जुड़ा हुआ जितना भी स्कीम है भारत और राजस्थान, अभी विटामिन सी भी दे रहे हैं, अभी लड्डू दिया जा रहा है, एक सत्तू का लड्डू है और कुछ अंकुरित अनाजों का, सत्तू है ऐसे सत्तू नहीं मान बेसन कहिए उसको, और बाजरा का सब मिला के वो दिया जा रहा है, मड़ुआ का। अब इसी टाइप से अंकुरित चीजों को अंकुरित करके फिर इसको पीस करके लड्डू बनाना, ये देना है और दिया जा रहा है। तो यह काम जो हो रहा है कैसे लोग जानेंगे, इसको तो ले जाना पड़ेगा। अभी तो विद्यालय में अंडीन बंद है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी नीचे तक जाने के पीछे वही कारण है कि एमडीएम बंद है, बच्चों को जा रहा है अनाज जा रहा है, खाना बनाने वाला काम नहीं हो रहा है, वो बंद है। आईसीडीएस की वही आईसीडीएस के तो सेम चीज है, अब वहां पर लड्डू बना के लोग दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो काम है उसमें है पीडीएस का, जन वितरण के माध्यम से अनाज पहुंचाने का। पीडीएस में जो है, जहां तक मैं जो जानता हूं अभी जो स्थिति है, बहुत सारे दुकानदार जो है मतलब वो यह कह रहे हैं कि मतलब अब तो दुकान हम उनको बंद कर देना पड़ेगा, कारण है कि गोदाम से अनाज का कम मिलना, भाड़ा में मतलब बहुत सारी खामियां हैं ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदारों द्वारा अनाज सर प्रत्येक यूनिट पे 500 ग्राम अनाज काटा जा रहा है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से ये सब बातें को सुनने के मिल रहा है, हमारे पास कुछ ठोस सबूत भी चाहिए, तथ्य चाहिए, आवेदन अगर आ जाए, आवेदन आ जाए, जिसे हमारे पास डीलर लोग आवेदन किया है और उपभोक्ता भी आवेदन किया है, उपभोक्ता का आवेदन जो होता है वो डीलर के खिलाफ होता है, डीलर का जो आवेदन है हमारे पास वो गोदाम के खिलाफ। सर गोदाम हम लोग संज्ञान लिए हैं, समय पर जो सरकारी मानक है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी का मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि भारत सरकार ने जो कानून में प्रावधान किया है वह राज्य सरकार लागू कर रही कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि उसमें स्टेट मॉनिटरिंग, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी और मंडल स्तर पर विजिलेंस कमेटी से बना ले जो पूरे चीज को मॉनिटरिंग करेगा, देख रेख करेगा, मीटिंग उसमें एमपी से लेकर एमएलए तक सब शामिल है, मंत्री भी शामिल है स्टेट वाला, ये रनिंग पोजीशन में है या नहीं इसको देखना है। नीचे में पंचायत के मुखिया है, उसके चेयरपर्सन, फिर कॉल सेंटर बनाना है। सर हम इस बात को ब्रेक लगा रहे हैं, मुखिया की बात आ रही है तो मुखिया मतलब इसे पंचायतों में बहुत तरह की स्थिति समस्या बनी हुई है कि खदान के वितरण में बहुत तरह के हाहाकार मचा हुआ है पब्लिक में, तो ये आखिर योजनाएं क्यों नहीं सही ढंग से संचालित हो पाती है? मैं तो आपको पहले ही बता रहा था कि क्या क्या हमको काम करना है, तो उसमें इतना काम है। एक्ट में प्रावधान है कि इससे रिलेटेड यदि कोई शिकायत दर्ज होता है, स्पेशल एक्ट है, नहीं है कानून है, उसके लिए न्यायालय भी है, मैं न्यायालय भी हूँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वाली जो ताकत है शक्तियां हमें प्राप्त है, अगर कोई जजमेंट सुना दे फिर आगे ही जाना पड़ेगा। तो ये काम हम कर रहे हैं कि नहीं सर, हमको भी करना है, और जिला में DGRO है जहां पर ये सारे वाद हैं, शिकायत है दर्ज होंगे, और उनको हर प्रत्येक निर्देश में अपना लिखना है
कि यदि आप हमारे निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप राज्य खाद्य आयोग में अपील दायर कर सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट बेतिया।